सभी को मेरा नमस्कार, मैं बॉक्सर अमित पवार। और आप सभी को पता होगा कि जो भी रेसलिंग में सिलेक्शन के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसा ही कुछ बॉक्सिंग में भी किया जा रहा है। बॉक्सिंग में भी जिनका भी एशियन गेम्स में सिलेक्शन किया है, वो पहले तो उनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड और सिल्वर को छूट थी, उनको बिना ट्रायल्स के ही कैंप में लिया गया है। और अभी सेम ऐसे ही एशियन गेम्स में उनका बिना ट्रायल्स के ही सिलेक्शन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि एशियन गेम्स में जो बाउट के तौर पर, फाइट के तौर पर निर्णय लिया जाता है, वैसे ही जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके तौर पर नहीं किया जाता है। मैं चाहूँगा कि हमारी ट्रायल्स के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग ना किया जाए, हमारी ट्रायल्स या फाइट के द्वारा उसका सिलेक्शन किया जाए। ये हमारी आपसे गुजारिश है।